電話を諦めろ。知れもतो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि कैसे किंग काइल ने डीमन को डिफीट किया था, लेकिन 100 साल के बाद वो डीमन वापस आ चुका है एंड वो फिर से अटैक कर रहा है ह्यूमैनिटी के ऊपर। डीमन से लड़ने के लिए काफ़ी सारे सोल्जर्स जाते हैं, लेकिन सारे के सारे मर जाते। लेकिन कासिल बोलता है कि उसका दोस्त क्लाउस अभी भी जिंदा हो गया, मुझे उस पर भरोसा है और मैं उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जो कासिल रहता है वो निकलता है एंड उसके बाद देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी रहती है एंड उसको देखने के बाद कासिल बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड कासिल देखता है कि जो क्लाउस का एक दोस्त है उसकी भी मौत हो चुकी है एंड उसके बाद कासिल सोचता है कि इस बंदे ने मुझसे कहा था कि मैं अगर प्रैक्टिस करूँगा तो मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा एंड उसके बाद जो कासिल रहता है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फ्रे उसकी आत्मा के शांति के लिए बहुत ज़्यादा प्रे करती है और तभी कासिल देखता है वहाँ पे क्लाउस की सील्ड पड़ी रहती है एंड उसके बाद वो सील को हटाता है, लेकिन वहाँ पे क्लाउस नहीं रहता है एंड कासिल बोलता है मुझे लगता है कि क्लाउस अभी भी जिंदा है एंड उसके बाद देखते हैं कि फ्रे के ऊपर अचानक से कोई अटैक करने जाता है, लेकिन उसके बाद जो कासिल है वो उसकी जान बचा लेता है एंड उसके बाद फ्रे से बोलता है कि फ्रे क्या तुम ठीक हो एंड देखते हैं कि वहाँ पे फिर से डीमंस आ चुके हैं एंड कासिल को अब उनसे फाइट करना पड़ेगा एंड कासिल डीमंस को देखने के बाद अपनी मॉम की याद आती है, कैसे उसकी मॉम ने अपने आप को बलिदान कर दिया था उसको बचाने के लिए एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कासिल रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड उसके बाद सारे डीमंस कासिल के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन कासिल बहुत अभी वीक है एंड वो उनसे बहुत मतलब अपनी पूरी 100% पोटेंशियल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे डीमन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं एंड वो कासिल के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं एंड ऊपर हमें एक विच को दिखाया जाता है जो कि ये सारी बैटल्स को देख रही एंड देखने से लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है एंड उसके बाद उसके हिसाब से कासिल काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है एंड कासिल नीचे बोलता है कि तुम सब आ जाओ, आज मैं तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखते हैं कि जो कासिल रहता है वो अपनी पूरी फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करता है, लेकिन तभी अचानक से बीच में आ जाती है वही विच एंड वो बोलती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी एंड वो बोलती है कि चलो बॉय अब तुम मुझसे लड़ो एंड इसके साथ यार वो बहुत जोर का ब्लैक टोर्नेडो को लेकर आती है, मतलब डार्क पावर इसके पास एंड उसके बाद वो बोलती है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही है लेकिन तुम तो, और इतना ही बोलते ही वहाँ पे जो फ्रे रहती है वो कासिल को बचा लेती है, लेकिन यार डीमंस बहुत सारे हैं, फ्रे अकेले नहीं हरा पाएगी एंड कासिल भी अभी यूजलेस है एंड उसके बाद देखते हैं कि यार सही टाइम पे ब्लैक एज और उसकी टीम आ जाती है, मतलब कि डार्क एल्फ ने बचा लिया है कासिल को और फ्रे को एंड उसके बाद देखते हैं कि यार ये डार्क एल्फ सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं एंड वो सबको आराम से हरा देते हैं। लास्ट में बचती है विच और जो ब्लैक एज रहता है वो अपनी पूरी फुल एंड्योरेंस के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि जो विच रहती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है एंड उसके पावर को वो बहुत आराम से डॉज कर ले। इसके बाद ये विच बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुमसे दोबारा फाइट करूँगी बॉय एंड उसके बाद वो गायब हो जाती है। बॉय से मतलब वो कासिल की बात कर रही है। उसके बाद जो कासिल रहता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसको थैंक यू बोलता है एंड वो बोलता है कि आपने हमारी जान बचाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो ब्लैकेज रहते हैं वो बोलते हैं कि हम अपना बस मिशन कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद जो कासिल रहता है बोलता है वेल मैं एक नाइट हूँ ओरेविलिया का। तो उसके बाद जो ब्लैकेज है वो बताता है कि ओरेविलिया ने हमको हायर कर लिया है एंड कासिल बोलता है कि मैं अपने दोस्त क्लाउस को ढूंढने आया था जो कि अभी कुछ देर पहले डीमन से लड़ रहा था। तो उसके बाद जो डार्क एल्फ रहता है बोलता है कि यहाँ पे सारे सोल्जर्स मर चुके हैं, तुम्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जो कासिल रहता है बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि क्लाउस मरा होगा क्योंकि क्लाउस सबसे अलग। एंड देखते हैं कि एक डीमन धीरे धीरे उठता है लेकिन उसकी भी हालत वो सब खत्म कर देते हैं एंड उसके बाद जो फ्रे रहती है वो कासिल को हील कर देती है एंड वो बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी छोटी चोट को मैं ठीक कर सकती हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं कि अचानक से एक लड़की आती है एंड वो बोलती है कि हे क्या ये तुम ही हो। तो उसके बाद जो कासिल रहता है बोलता है कि अब तुम कौन हो और तुम्हें हमारे से क्या चाहिए। और उसके बाद बोलती है कि मेरा नाम है क्ल्यू एंड वो बताती है कि मैं एक सॉर्ट सीरस हूँ एंड इसका मतलब होता है कि मैं एक मैजिशियन हूँ, ठीक। एंड उसके बाद ये जो क्ल्यू रहती है वो बोलती है बगल में जो लड़का है ये मेरा बॉडीगार्ड है। तो उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा बेबी सीटर। तो तभी क्ल्यू पूछती है कि तुम क्या कासिल और फ्रे को जानते हो। तो जो कासिल रहता है बोलता है कि कासिल और फ्रे तो हम ही हैं। तो उसके बाद वो क्ल्यू बोलती है कि ठीक है तुमको किसी ने बुलाया है। तो उसके बाद जो कासिल रहता है बोलता है किसने बुलाया है। तो उसके बाद कासिल बोलता है कि आखिर वो कौन है। तो क्ल्यू बताती है कि वो है मिस्टर डोमिनिक्स। तो उसके बाद कासिल बोलता है मिस्टर डोमिनिक्स यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसके बाद जो फ्रे रहती है वो बोलती है कि हमने इन्हें लास्ट टाइम ओरोफेंग में देखा।
तो क्ल्यू बोलती है कि वो अब आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद वो बोलती है कि हमें अभी आसमान में जाना होगा। तो उसके बाद जो क्ल्यू रहती है बोलती है ठीक है तुम सब अपनी कुर्सी का पेटी बांध लो। एंड उसके बाद क्ल्यू एक स्पेल बोलती है एंड देखते हैं कि जो हमारे कासिल फ्रे और क्ल्यू और उसके बॉडीगार्ड रहते हैं वो सब आसमान में गायब हो जाते हैं। एंड उसके बाद वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एंड देखते हैं जहाँ वो टेलीपोर्ट है मतलब कि यहाँ पर भी बाकायदा एक सिटी है एंड इस सिटी का जो राजा है उसका नाम है मिस्टर डोमिनिक्स ऐसे समझ लो ठीक है। तो उसके बाद जो क्ल्यू रहती है बोलती है तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए और जल्दी से तुम्हें मिस्टर डोमिनिक्स से मिलना चाहिए। एंड कासिल बोलता है यार मुझे विश्वास नहीं हो कि हम यहाँ पर आए हैं। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मिस्टर डोमिनिक्स तो बहुत ज़्यादा बुढ़े हो वो अपने काले जादू की मदद से अपनी वो एज को मेंटेन कर पा रहे हैं वरना तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। एंड उसके बाद फाइनली देखते हैं जो कासिल एंड फ्रे रहती है वो मिस्टर डोमिनिक्स से मिलती है। एंड उसके बाद मिस्टर डोमिनिक्स बोलते हैं कि मैं तुम लोग से मिलने वाला था। तो उसके बाद कासिल बोलते हैं कि हम आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात कर रहे हैं। तो उसके बाद जो डोमिनिक्स रहते हैं बोलते हैं कि यार वेल तुम लोग तो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो। तो फ्रे बोलते हैं कि हाँ आप तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं मिस्टर डोमिनिक्स जैसे आप ओरमफिंग में लास्ट टाइम देखे थे वैसे ही अभी भी आप लग रहे हो। तो उसके बाद जो मिस्टर डोमिनिक्स है वो बताते हैं कि वेल तुम्हारा नाम एक बंदा ले रहा था। तो उसके बाद जो कासिल रहता है बोलता है कौन है वो बंदा। तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर रहता है क्लाउस जिसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है। जो क्लाउस रहता है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहता है। मिस्टर डोमिनिक्स बोलते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी लेकिन अभी हमने इसको हील कर दिया तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके बाद जो क्लियर रहती है बोलती है कि वहाँ पे और भी मेंबर्स थे लेकिन हम जब तक गए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। एंड उसके बाद यहाँ पे बस क्लाउस ही बचा हुआ था। तो उसके बाद देखते हैं जो क्लाउस रहता है वो उठता है एंड वो बोलता है कि कासिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मैं कहाँ पर हूँ। तो कासिल बताता है कि तुम मिस्टर डोमिनिक्स के घर में हो और तुमको अभी आराम करना चाहिए। तो क्लाउस बोलता है कि मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करने वाला हूँ मुझे दूसरे बैटल के लिए तैयारी करनी होगी क्योंकि वो डीमंस दोबारा अटैक करेंगे और मुझे ये दूसरी ज़िंदगी अपने दोस्त के लिए मिली है और मैं अपने दोस्त का मृत्यु का बदला जरूर लूँ। तभी कासिल बताते हैं कि डोंट वरी सारे डीमंस मर चुके हैं। एंड वो बताते हैं कि ब्लैक एज की टीम ने सबने मार दिया वो डार्क एल्फ रहते हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि वहाँ पे बस वो विच थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो उसके बाद क्लाउस बोलते हैं कि हमने किसी विच को नहीं देखा था हमने तो बस स्केल्टन टाइप के डीमन से फाइट की थी। तो कासिल बोलता है तब वो कौन थी लेकिन जैसे लग रहा है कि मिस्टर डोमिनिक्स को पता है कि वो विच कौन रहता है जैसा लग रहा है कि मिस्टर डोमिनिक्स को छुपा रहे हैं। तो उसके बाद जो मिस्टर डोमिनिक्स है वो कासिल और फ्रे से बोलते हैं कि आज तुम लोग यहीं पर रुक जाओ क्योंकि तुम बहुत दूर से यहाँ पर आए। तो उसके बाद क्ल्यू बोलती है कि वेल फ्रे तुम्हें तो कासिल के साथ सोने की आदत हो गई होगी। तो जो फ्रे रहती है बोलती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्ल्यू बोलती है देखो शर्माने की कोई बात भी नहीं है। तो फ्रे बोलती है कि वेल यार ऐसी बात मत करो। तो क्ल्यू बोलती है मुझे माफ़ कर देना। तो उसके बाद क्ल्यू बताती है कि वेल मेरे भी कोई पेरेंट्स नहीं है मिस्टर डोमिनिक्स ने मुझे अडॉप्ट कर एंड उन्होंने मुझे स्कॉलर की ट्रेनिंग दी। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। तो उसके बाद जो फ्रे रहती है बोलती है कि मिस्टर डोमिनिक्स सच में बहुत अच्छे हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि क्ल्यू एंड फ्रे आसमान में देखते हैं क्योंकि आसमान बहुत ज़्यादा चमकता है। लेकिन तभी देखते हैं कि जो फ्रे रहती है वो नीचे कुछ देखती है लेकिन वो बताती नहीं है। और क्ल्यू बोलती है कि मुझे जाना होगा मुझे अभी भी नींद आ रही है। वैसे जो नीचे रहता है वहाँ पे कासिल रहता है एंड वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है क्योंकि वो बोलता है कि वो अपने दोस्त को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो फ्रे आती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कासिल। तो उसके बाद जो कासिल रहता है वो बोलता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ मैं अपने एक दोस्त को भी नहीं बचा पाया। और उसके बाद बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता हूँ। तो उसके बाद कासिल बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा जिससे मैं सबकी मदद कर पाऊँ और अगर मैं ऐसे ही चलूँगा तो मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाऊँगा। तो कासिल बोलता है कि अब मुझे स्ट्रांग बनना है और यही मेरा एक मकसद। एंड उसके बाद लॉर्ड मेरियम को हमें दिखाया जाता है एंड लॉर्ड मेरियम बोलते हैं देखा ये है ब्लैक एज की पावर उसने कैसे डीमंस को ख़त्म कर दिया अगर तुम इंसान को भेजोगे तो रिजल्ट बहुत ख़राब आएगा लेकिन डार्क एल्फ तुम पे भरोसा करना होगा लेकिन बाकी सारे लोग अलाउ नहीं करते हैं। एंड वो बोलते हैं कि हम कैसे डार्क एल्फ पे इतने भरोसा कर। तो उसके बाद जो लॉर्ड मेरियम है वो बताते हैं कि किंग काइल ने भी हेल्प ली थी डार्क एल्फ की डीमन लॉर्ड को हराने के लिए डार्क पावर को हराने के लिए। एंड फिर अगले सीन में दिखाया जाता है लॉर्ड मेरियम बोलते हैं डार्क एल्फ से कि यार जैसे ही मैं इस किंगडम का राजा बन जाऊंगा तुम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर दूंगा खास करके तुम्हारे और विलिया को जो चला रहे हैं वो सच में बहुत ज़्यादा पागल हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता और वो एकदम डरपोक हैं। तो लॉर्ड मेरियम बोलते हैं कि वेल मैं जैसे जैसे बोलता हूँ तुम्हें वैसे वैसे करना होगा। तो उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे डार्क एल्फ है वो भी बहुत क्रीपी सी स्माइल देता है एंड वो बोलता है हमारे फ्यूचर के लिए एक पेग बनती है। फिर हमें क्लाउस को दिखाया जाता है एंड वो बेड से हटने की कोशिश करता है लेकिन उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा रहती है तो वो अपने बेड से हिल भी नहीं पाता है। एंड कासिल बोलता है तुम्हें थोड़ा सा और आराम करना चाहिए लेकिन क्लाउस बोलता है कि मैं आराम नहीं कर सकता हूँ डीमंस दोबारा जरूर आएंगे।
एंड उसके बाद जो क्लियो रहती है वो कासिल को बुलाती है एंड वो बोलती है कि मिस्टर डोमिनिक्स आपको बुला रहे हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे फ्रे भी रहती है एंड मिस्टर डोमिनिक्स बोलते हैं कि मुझे तुम दोनों को कुछ इंपॉर्टेंट बताना है एंड वो क्लियो को बाहर जाने को बोलते हैं। तो डोमिनिक्स पूछता है कासिल से कि तुम्हारे डैड के बारे में तुम्हें मालूम है कासिल? तो कासिल बोलता है कि नहीं, मॉम ने नहीं बताया है। तो उसके बाद जो डोमिनिक्स रहते हैं बोलते हैं वेल उस टाइम पे शायद उनके साथ कुछ हो गया था इसीलिए उन्होंने नहीं बताया है। वेल तुम्हें आज मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा डैड कौन है। तो कासिल बोलता है कि आखिर कौन है? तो उसके बाद मिस्टर डोमिनिक्स बोलते हैं कि महान किंग काइल के तुम बेटे हो। तो उसके बाद कासिल बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किंग काइल तो 100 साल पुराने। एंड कासिल बोलता है कि ये एकदम नामुमकिन है, आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर? मिस्टर डोमिनिक्स बोलते हैं कि मैं तुमको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एंड उसके बाद बताते हैं कि तुम्हारे डैड एक डार्क एल्फ से प्यार करते थे। एंड यार उसके बाद वो कुछ बोलते ही हैं। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है, मतलब बहुत सस्पेंस के साथ किंग्स रेड का एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है।